कल चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में लेक व्यू हिल्स में एक नौजवान की लाश बनाना हालत में दस्तियाब हुई थी। पेश है उनके वालिदा का बयान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बड़ा बच्चा कल 12 बजे नाश्ता वाश्ता करके जा रहा हूँ, बल्कि गाड़ी को रोज जैसा जाते हैं वैसा निकल गया सुबह। और रात में भी मैं फ़ोन करी तो आप भी आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ बोल के बोला तो मैं 11 बजे बच्चे को फ़ोन करी, आओ बेटे कहाँ है, बोले तो नहीं मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ बोल के गया बच्चा। रोज़ मेरा बच्चा बाहर रहता है, इसने आ जाता 11:30 तक आ जाता। और मेरे बच्चे को फिर सुबह तक मैं फ़ोन बजा करी रात भर बच्चा आया नहीं बोल के, सोई नहीं मैं रात तमाम, परेशान किसको करूँ मैं फ़ोन, किसको बोलूँ बोल के, मैं तकलीफ़ किसको सुनाऊँ बोल के, मैं आधी रात को किसको आवाज़ दूँ बोल के बोली मैं। मेरा बच्चे को फ़ोन लगा रहा तो पहले चालू था, फिर क्या हुआ बंद हो गया फ़ोन बंद हो गया। आपके बच्चे का नाम क्या है? आसिफ है मेरे बच्चे का नाम। मेरा बच्चा किसके भी नाम में जाता था ना, किसके भी जिक्र में नहीं जाता। अच्छा मेरा बेटा बहुत अच्छा था, कमाने वाला बच्चा मेरा एक ही था। वो सुबह बहुत अच्छा देखता था मेरे को, बहुत अम्मा बोल के बहुत पीछे लगता था मेरे, बहुत चाहता था मेरे को। मेरे बच्चे को ऐसा करके बहुत बेदर्दी से मार दिए लोगा, मेरे को इंसाफ चाहिए अंजलि साहब। आपको इतना कैसा मिले, ऐसा क्या ऐसा मटर हुआ बोल के, अच्छा खतल हुआ बोल के साहब मेरे को इंसाफ चाहिए हर साल। आपको इतना कैसा मिली? एक बजे अजान हो रही थी, फ़ोन आया, मैं बहन के घर को गई थी, वहाँ पे बहन को घर को गए तो वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि यहाँ पे आप मेरे को फ़ोटो बताए लोग बुलाए, तो मैं बोली मैं यहाँ पे हूँ जियागढ़ी की रोड पे, आप इधर ही आ जाओ यहीं बात करेंगे, आप घर के सामने क्यों क्या हुआ कि तमाशा कहीं को बोल के मैं समझी नहीं बात को। लोगा मेरे को बोले चलो गाड़ी में बैठो, मेरे को घर बताओ किसके किसके बच्चा किसके किसके साथ रहता। कौन बोले आपको? पुलिस वाले बोले? पुलिस वाले बोले। अच्छा तो मैं उसका आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? आप लोगों को शक है? मेरे को शक, मेरे को अत्तापुर में भी रहना बहुत मुसीबत दी है, तकलीफ दी है, बहुत सताए, तो मैं अत्तापुर से खाली करके इधर आ गई। किसके ऊपर है आपको शक? है लोगा है अत्तापुर में बहुत बहुत, इनके बाबा को तक नहीं छोड़े वहाँ पे, मारे इनके बाबा को, मारे बच्चों को, मारे और केसों में अटका दिए, झूठे सच्चे बातें बोल के भी अटका दिए मेरे बच्चों को। वो लोग आज करे अत्तापुर वाले पूरे झूठे सच्चे बातें बोल के मेरे बच्चे को पूरा फंसा दे के पुलिस केस और सब करे। इससे पहले कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी क्या? हाँ हुई थी लड़ाई, वो अत्तापुर वाले बच्चे मिलके मेरे बच्चे को बहुत मारे, सीने पे मारे, उन्हें इधर मारे उधर मारे, और कोई छुड़ाने वाला नहीं। सो वहाँ अत्तापुर में बहुत तमाशे देखे मगर छुड़ाए नहीं मेरे बच्चे को। ये किस लिए लड़ाई हुई थी इससे पहले? इससे पहले खाली नाहक आना लड़ना, नाहक आना लड़ना, मेरे को गालियां देना, मेरे मरद को तक मारे तो ढकल दिए, तो 3 दिन फिक्स आते उनको, 3 दिन बीमार है, उनकी अम्मा के पास थे अत्तापुर में, वहाँ पे भी घर को आना, लाता मारना, दरवाज़ों को मारना, बहुत मुसीबत तकलीफ दिए। तो मैं बोली मेरे बच्चों को अच्छे कहीं भी जा चले आना बोल के, फिर मैं यहाँ टोली मस्जिद में आई। शुरू से तो टोली मस्जिद में रहती थी मैं, सास बुला लिए थे 2 महीने के बाद से चले गई थी मैं, बच्चे मेरे यहीं पैदा हुए से पूरे। अंजलि साहब मेरे को इंसाफ होना देखो। आप लोग पुलिस में कंप्लेंट कराए आप लोग? हाँ कंप्लेंट कराए ना, वो लोग आए पुलिस वाले पूछे तो जाके कराए, ऐसा ऐसा फोटो वोटो बताए तो हाँ मेरा ही बेटा कड़ा उड़ा देख के, पहले तो जबान उबान बच्चे की पूरी बाहर आ गई थी, मैं पहचान भी नहीं सकी, इतना बेदर्दी से मारे, सीने पे मारे, छुरिया लेके इधर से मारे तो इधर निकल गए छुरिया, इतना बेतका मारे मेरे बच्चे को, आज के दिन मेरे बच्चे को मारे, कल के दिन तुम्हारे भी बच्चों को मार दिए कोई ना कोई, मेरे को इंसाफ चाहिए साहब को। आपके बच्चे काम क्या करते थे आपके? ऑटो चलाते थे। कितने साल से चलाते ऑटो? ऑटो पहले दूसरा काम करते थे, उसके बाद ऑटो लाइन में चले गए, ऑटो चलाना करे शुरू, इतना बेदर्दी से मारे मेरे को, आखा रूमते चक्कर आ गई वहीं, मैं गिर जाने के से भाई पकड़ लिए, भाई बच्चा पकड़ लिया मेरा, इधर से मारे तो सीने में इधर चाकू निकली है, पूरा गला तक काट दिया, आज के दिन मेरे बच्चे को मारे और कल के दिन तुम्हारे बच्चों को भी मारेंगे ना, इंसाफ दे ना, मेरे को इंसाफ चाहिए कमिश्नर साहब। आप कौन? आपके बच्चे थे और आपके बेटे थे? हाँ बेटा है मेरा, बुद्ध के नाम में ना जिक्र में कुछ भी नहीं, अच्छा आना खाना पीना सोना अच्छा था, किसके नाम में जाता था ना किसके भी, वो नए बच्चे सही था मेरा बच्चा। मेरे बच्चे के गला तक काट दिए और चाकुआ छुपाए तो इधर से इधर निकल गए, इधर से इधर निकल गए चाकुआ, पूरा गला तक काट दिए और हाथा तक ऐसा तोड़ दिए अंदर से, ऐसा पूरा हाथा भी काम नहीं कर रहे बच्चे के, पूरा इतना पूरा तोड़ दिए हाथा होता, और उसको लंगा करने की वजह क्या है, पूरा लंगा भी होगा था बच्चा, पूरा लंगा करके पूरा क्या करे नहीं मालूम, पूरा लंगा कर दिए और हाथा भी पूरे हाथा हड्डियाँ पूरे टूट गए थे बच्चे के, यूँ करने आ रहा ना यूँ करने आ रहा बच्चे को मेरे, जाके मैं देख के आई
पूरा हाथा तोड़ दिया। आज के दिन मेरे साथ करे, कल के दिन तुम लोगों के बच्चों के साथ भी करेंगे। मेरे को इंसाफ चाहिए। और पूरा पूरा गला तक काट दिए, पूरा ऐसा पेट में छुरियां चुभा, तो इधर से जाके इधर से निकल गए पूरे छुरियां पूरे। वो तो एक माँ की तकलीफ समझ सकते हो आप लोग। तो मेरे को इंसाफ चाहिए। कमिश्नर साहब सब जितने भी है आप लोगों को रिक्वेस्ट है, मेरे को इंसाफ चाहिए और उसकी सज़ा बच्चों को देना चाहिए उसकी। मेरे आज के मेरे साथ करे, कल के दिन दूसरों के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं आप लोग। आप मेरे साथ इंसाफ चाहिए।